जीवन ये बार बार सितम ढाएगा, पर मन मेरा किंचित ना घबराएगा। जीवन यूं ही बार बार सितम ढाएगा, पर मन मेरा किंचित ना घबराएगा। जीना सीख लिया जिसने संयम से, जीना सीख लिया जिसने संयम से। जिंदा इसी दौर में वही बच पाएगा, जिंदा इसी दौर में वही बच पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ लगातार पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करते रहिए। हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं न्याय के विविध रूप। न्याय को हम लोगों ने विविध क्लासों में पढ़ा, देखा और समझा भी, और आशा कर रही हूँ कि आप सभी को समझ में आया भी होगा। विभिन्न राइटर्स के बाद आज हम समाज में प्रचलित न्याय के रूप पढ़ रहे हैं कि किन किन रूपों में न्याय विद्यमान है। देखो, न्याय को मुख्यतः देखा जाता है तो न्याय या तो व्यक्ति के द्वारा, स्वयं के द्वारा किया जाने वाले व्यवहार या आचरण पर निर्भर करता है, या किसी कानून की किताब के द्वारा लिखे हुए वे नियम होते हैं जो हमें बाध्य कर देते हैं कि उनका पालन करना है। मुख्यतः प्रचलित रूपों में न्याय केवल नैतिक रूप में या कानूनी रूप में ही देखने को मिलता है, लेकिन समाज में या राजनीतिक व्यवस्थाओं के संचालन में न्याय का रूप हमें विविध रूपों में देखने को मिलता है, जिनका हम क्रमशः अभी अध्ययन करते हैं। न्याय, नैतिक न्याय। नैतिक न्याय की अवधारणा समाज में व्यक्ति के द्वारा प्राकृतिक रूप से या स्वभावतः या आचरण के द्वारा किए जाने वाले वे नियम होते हैं, ये जो व्यक्ति के व्यवहार को या व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करते हैं। नैतिक नियम सार्वभौमिक होते हैं, सार्वकालिक होते हैं, सार्वदेशिक होते हैं, अर्थात वे सभी देशों में उसी प्रकार से अपनाए जाते हैं जैसे भारत में अपनाए जाते हैं या अन्यत्र किसी और भूमि में अपनाए जाते हैं, और वे भूत, वर्तमान और भविष्य सभी स्थितियों में समान रूप से व्यक्तियों के द्वारा अपने आचरण में पालन किए जाते हैं, स्वभावतः उनका अनुसरण किया जाता है। जैसे सत्य बोलना, सदाचारपूर्ण व्यवहार करना, परोपकार करना, जीवों के प्रति दया करना, किसी का भला करना, ये सब ऐसे नियम हैं कि जिनका व्यक्ति अगर स्वभावतः अपने आचरण में पालन करता है तो सर्वत्र न्याय ही न्याय है, तो फिर कहीं अन्याय की स्थिति ही नहीं होगी। दूसरे के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न करना, प्राकृतिक नियमों का इसी प्रकार से पालन करना कि मुझे किसी और की संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित नहीं करना है, सत्य का अनुसरण करना है, तो ये ऐसे नियम हैं जो व्यक्ति की नैतिकता से प्रभावित या प्रेरित होकर किए जाते हैं। ये सार्वदेशिक होते हैं, सार्वकालिक होते हैं। यह नैतिक रूप हमें प्लेटो के विचारों में देखने को मिलता है। प्लेटो के विचारों में, जैसे प्लेटो ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्तव्यों का अनुपालन करना ही न्याय है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, अर्थात निर्दिष्ट कार्यों को करना न्याय है। तो इस प्रकार से यह नैतिक न्याय समाज की प्रत्येक अवस्था में स्थापित होता है, जिस प्रकार से कौटिल्य और मनु के विचारों में, भारतीय नीतिकारों के विचारों में हमें देखने को मिलता है कि एक निष्पक्ष राजा ही योग्य राजा होता है। तो निष्पक्ष शब्द क्या कह रहा है अपने आप में? नैतिकता का अनुपालन कर रहा है। इस प्रकार से नैतिक न्याय वह न्याय है जो नीति प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती है, और प्राकृतिक नियम वे होते हैं जो व्यक्ति अपने सदाचार के द्वारा या अपने शुद्ध आचरण के द्वारा अपने व्यवहार में लाता है। वे ही प्राकृतिक नियम होते हैं जिसमें किसी प्रकृति पर एक का अधिकार उतना ही है जितना दूसरे का है। अगर यह स्वीकार कर लिया जाता है और दूसरे व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से कम से कम क्षति पहुंचाई जाती है और क्षति नहीं पहुंचाई जाती है, वह ही नैतिक न्याय है। अगला बिंदु है कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस। कानूनी न्याय यह बताता है, थॉमस एक्विनास के विचारों में देखने को मिलता है। थॉमस एक्विनास ने अपने न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ में यदि समानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है और समाज के द्वारा जो व्यवस्था मांग करती है उसके अनुसार व्यक्ति अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते हैं और एक मर्यादित या अनुशासित जीवन जीते हैं, तो वह न्याय है। तो यहाँ ये चीज समझने में आती है
कि एक निश्चित व्यवस्था होती है। एक विनाश की विचारधारा से देखने को मिलता है कि एक निश्चित व्यवस्था होती है, व्यवस्था मांग करती है, अर्थात एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा कुछ निश्चित नियम होते हैं, उन नीतियां होती हैं, उन नियम और नीतियों के द्वारा नागरिकों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात कानूनी न्याय वहीं पर स्थापित हो सकता है जहां पर कोई एक निश्चित राजनीतिक व्यवस्था कार्य कर रही हो और वह अपने नागरिकों पर समान रूप से ऐसे नियम और नीतियां लागू करती हैं जो सभी के लिए समान होते हैं। इसमें दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो पहला, उस व्यवस्था के द्वारा कोई नियम और नीतियां निर्मित होते हैं। किसके द्वारा? राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा। तो राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा निर्मित कानून होते हैं और वह निष्पक्ष रूप से, यही समानता के आधार पर, निष्पक्ष लागू करती है और यदि किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो वह निष्पक्षता के आधार पर उन्हें दंडित करती है। वह है कानूनी न्याय। कहने का तात्पर्य सरल शब्दों में यह है कि कानूनी न्याय वह है जो किसी एक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा निर्मित नीतियों और नियमों के द्वारा उन सभी नागरिकों के द्वारा लिए निर्धारित किया जाता है जो उसके उस राजनीतिक व्यवस्था के अधीन शासित होते हैं। और ये राजनीतिक व्यवस्था द्वारा निर्मित नियम एवं कानून सभी पर निष्पक्ष रूप से लागू होते हैं और यदि किसी के द्वारा इनका उल्लंघन किया जाता है तो सभी बिना किसी भेदभाव के समान रूप से दंड के अधिकारी होते हैं। यह है कानूनी न्याय। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजनीतिक न्याय जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही निरूपित हो सकता है या प्राप्त किया जा सकता है या पाया जा सकता है। राजनीतिक न्याय एक निश्चित राजनीतिक विचारधारा के तहत है, यानी जहां पर प्रजातंत्र है, जहां पर लोकतंत्र है, या ऐसी शासन व्यवस्थाएं हैं जहां प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया जाता है, वही राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जहां प्रजातंत्र है वहां कल्याण यानी लोक कल्याण को प्रमुखता दी गई है, वहां पर समानता को प्रमुखता दी गई है। यूं कहें कि राजनीतिक न्याय हमें सर्वाधिकार वाली शासन व्यवस्थाओं में मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें सामूहिक शासन व्यवस्था में मिल जाए, हमें तानाशाही या सैनिक शासन व्यवस्था के तहत राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो जाए, नहीं। राजनीतिक न्याय तभी प्राप्त हो सकता है या उसको वही देखा जा सकता है जहां प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली संचालित होती है, क्योंकि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की मूल भावना लोक कल्याण होती है और ये समानता या बिना किसी भेदभाव के शासन का संचालन करती है। अब प्रश्न उठता है कि राजनीतिक न्याय क्या है। राजनीतिक न्याय किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के तहत भागीदार होने का बिना किसी भेदभाव के अधिकार है, समानता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क मताधिकार है, यानी जो नागरिक वयस्क हो गया है, अर्थात भारत में जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि वह सरकार को चुनने का अधिकार रखता है, सरकार में चुने जाने का अधिकार रखता है, अपने विचार अभिव्यक्ति, भाषण अभिव्यक्ति, चाहे वह लेखन के माध्यम से किसी भी प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार रखता है। सरकार की कोई नीतियां अगर उसे तर्कसंगत नहीं प्रतीत होती है तो वह उनका विरोध करने का अधिकारी है। यानी वे समस्त राजनीतिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उस राजव्यवस्था में भाग ले सकता है, वे सभी राजनीतिक न्याय की श्रेणी में आते हैं। एक और बात, राजनीतिक न्याय के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता। राजनीतिक न्याय में वे सभी व्यक्ति समान हैं जो उस राजव्यवस्था के तहत नागरिक कहलाते हैं। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक
शासन प्रणाली का मूल आधार है, या यूं कहें कि प्रजातंत्र तभी संभव है जब किसी देश की शासन व्यवस्था में राजनीतिक न्याय स्थापित किया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय किसी भी समाज के तहत यह एक आवश्यक गुण है। हम समाज में भले ही बात करें या किसी राज्य व्यवस्था में बात करें कि वहां स्वतंत्रता है, समानता है, और जब तक वहां सामाजिक न्याय नहीं है तो स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्द निर्मूल हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। समानता और स्वतंत्रता तभी कायम रह सकते हैं जब किसी समाज में सामाजिक न्याय हो। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो समाज में समता मूलक सामाजिक स्थिति कायम करे। इसके लिए किसी भी राज्य व्यवस्था को या शासन व्यवस्था का यह उत्तरदायित्व है कि वे ऐसी नीतियों का निर्वहन करे, ऐसी नीतियों का निर्माण करे ताकि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता या भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति अपने को समकक्ष मानकर, सभी के बराबर मानकर और बिना किसी गरिमा की क्षति के साथ में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसके लिए अवसरों की समानता, इसके लिए सामाजिक समानता तभी हो सकती है जब उस समाज में सामाजिक न्याय होगा, और जिस समाज में सामाजिक न्याय होगा वही स्वतंत्रता और समानता जैसे पुष्प पल्लवित होते हैं, वरना वे केवल मात्र शब्द बनकर रह जाते हैं। इसलिए किसी भी समाज की या राजनीतिक व्यवस्था की या किसी भी शासन व्यवस्था की अगर हमें रीढ़ मजबूत करनी है तो तभी मजबूत हो पाएगी जब वहां के नागरिक सभी अपने आप को एक लाइन पर पाकर, एक रेखा पर पाकर या एक स्टार्टिंग बिंदु पर जब अपने आप को खड़ा पाएंगे तभी वहां पर स्वतंत्रता और समानता पल्लवित हो पाएगी, और राजनीतिक आर्थिक न्याय या यूं कहें कि किसी भी प्रकार के न्याय को प्राप्त करने का उन लोगों में साहस तब हो पाएगा जब वो सामाजिक न्याय की प्राप्ति करेंगे। इसका उत्तरदायित्व संपूर्ण उस राज्य व्यवस्था पर है कि वह ऐसी व्यवस्था कायम करे, ऐसी नीतियों का निर्माण करे, समता मूलक नीतियों का निर्माण करे कि किसी भी व्यक्ति के साथ समाज में किसी भी आधार पर, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या अन्य किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। सामाजिक न्याय की यही विचार हमें जॉन रोल्स की विचारधारा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय साम्यवादियों, समाजवादियों या मार्क्सवादी विचारकों की अवधारणा का मूल केंद्रीय बिंदु है। आर्थिक न्याय का उद्देश्य है कि समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना, और बिना आर्थिक समानता के चाहे वह राजनीतिक न्याय हो चाहे वह सामाजिक न्याय हो वह सब निरर्थक है, उन्हें पाना कदापि संभव नहीं है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य यह है कि जब तक व्यक्ति को अपने अवसरों की, अपने योग्य रोजगार की प्राप्ति नहीं होगी, आवश्यक विकास के मार्ग प्राप्त नहीं होंगे तब तक आर्थिक न्याय संभव नहीं है। इसके लिए राज्य को यह चाहिए कि वह अपनी नीतियों का इस प्रकार से अनुपालन करे कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को केंद्र बिंदु माना जाए। कैसे? जो व्यक्ति अमीर है उसके आर्थिक संसाधनों पर करारोपण के द्वारा या पूंजीपतियों के जो धन संग्रह की प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण के द्वारा या पूंजीपतियों की संपत्ति का निर्धन व्यक्तियों के लिए हितार्थ काम में लेने के लिए, या जो हीनतम स्थिति में व्यक्ति है, निर्धनतम स्थिति में व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उनके आर्थिक संसाधनों को तैयार करने में पूंजीपतियों की पूंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो राज्य का ये दायित्व बनता है कि वह आर्थिक स्थिति को समान लाने के लिए, यानी जो अमीर और गरीब व्यक्ति के मध्य ये खाई है, इस खाई को पाटने का कार्य इस राज्य व्यवस्था के द्वारा किया जाना चाहिए ताकि इस पर कुछ कंट्रोल हो और इसका कुछ विकास हो, और तभी यह समाज समानता के स्तर पर आ सकता है। और जब इन दोनों स्तरों में, दोनों वर्गों में समानता होगी और दोनों वर्गों की स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा तभी जाकर समाज का विकास हो पाएगा, और तभी हम राजनीतिक न्याय या सामाजिक न्याय को पूर्णतः प्राप्त करने की बात कर सकते हैं। यह बात भी निरर्थक ही होगी कि जो एक व्यक्ति अपने दो जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है
उसके सामने हम मताधिकार की बात करते हैं, सरकार में चुनने और चुने जाने की बात करते हैं, राजनीतिक विरोध की बात करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आर्थिक न्याय तभी संभव है जब समाज में सभी व्यक्तियों के साथ आर्थिक जीवोपार्जन या अवसरों की समानता हो। तो साथ कह सकते हैं कि किसी भी राज व्यवस्था के द्वारा ऐसी नीतियों का अनुपालन किया जाना चाहिए जिसमें इन दो वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष न होकर वर्ग सहयोग हो, और जब अमीर और गरीब के बीच वर्ग सहयोग का तत्व कार्य करेगा तब आर्थिक न्याय संभव हो पाएगा। अमीर व्यक्ति अधिक अमीर न बन जाए और गरीब व्यक्ति अधिक गरीब न बन जाए, इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था को निरंतर सजग रहकर आर्थिक संसाधनों का इस प्रकार से वितरण करना होगा कि अमीर के पास अधिक संग्रह न हो और गरीब के पास में अधिक विपन्नता न हो। इस प्रकार से यह आर्थिक न्याय की परिकल्पना है। सार्थक कह सकते हैं कि न्याय की अवधारणा प्राचीन समय से लेकर आज तक यूं ही प्रासंगिक बनी हुई है। स्थितियां, काल और आवश्यकताएं बदलते रहते हैं, लेकिन न्याय के जो मापदंड है वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। न्याय जहां मांग करता है तो एक चीज निकलकर इसके पीछे आती है, वह अन्याय। अर्थात जिस व्यवस्था में अन्याय होगा, जिस व्यवस्था में असमानता होगी, जिस व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होगी, यानी जहां पर भटकाव होगा वही न्याय की आवश्यकता है। तो न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो यह बताती है कि व्यवस्था में कहीं डावाडोल स्थिति है, व्यवस्था में कहीं सुधार की गुंजाइश है, व्यवस्था में कहीं लोचशीलता है, व्यवस्था में कहीं स्वतंत्रता है और व्यवस्था कहीं समानता की मांग करती है, वही न्याय की अवधारणाएं प्रस्फुटित हो सकती है और वही न्याय जैसे कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखने को कुछ दे सकते हैं। अब न्याय की अवधारणा है शुद्ध सत्तावादी शासन व्यवस्थाएं या और बाजारवादी शासन व्यवस्थाएं जहाँ पहले से सब कुछ बाजार व्यवस्था पर नियंत्रित है, या यूं कहें कि सत्तावादी शासन व्यवस्थाओं में सब पूरी तरीके से सब कुछ कंट्रोल है, तो वहां न्याय की हम मांग करते हैं तो वह सही प्रतीत नहीं होता। न्याय की मांग प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में आज से नहीं, जब से प्रजातंत्र अस्तित्व में आया है तब से इस शासन व्यवस्था की मांग बनी हुई है, और यह अपने हर रूप में अपने न्याय के पूर्ण या चरम रूप को पाना चाहती है। क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो बिना न्याय पढ़े हम राजनीति विज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए पाठ्यक्रम निर्धारणकर्ताओं ने शायद डिसाइड किया है कि न्याय कॉन्सेप्ट बच्चों को पहले समझ में आना चाहिए। न्याय कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने जाना कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ में समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और उल्लंघन करने की स्थिति में निष्पक्ष रूप से दंड का प्रावधान जहां पर होता है, प्रत्येक स्तर पर सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, चाहे वह नैतिक अवधारणा के रूप में हो, किसी भी स्तर पर व्यक्ति अगर स्वयं कर्तव्यों का अनुपालन कर लेता है और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही सामंजस्य जहां पर करता है तो वह है न्याय। और हम ऐसे ही न्याय की परिकल्पना के साथ में इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में नए टॉपिक शक्ति के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।